विधान परिषद का जो चुनाव है इसमें जितने भी वोटर्स हैं, मैं उन सब से अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने गठबंधन के हर एक घटक दल की तरफ से यह विनम्र आग्रह करूंगा कि हमारे भाई अभिषेक झा जी को आने वाले दिनों में भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार की विधान परिषद में भेजने का काम करें। उम्मीद ही नहीं, विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इनको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छे से जानता हूं कि आने वाले दिनों में ये विधान परिषद सदस्य बनकर आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, आपसे जुड़े हुए विषयों को मजबूती से उठाकर आपकी हर संभव मदद करने का ये काम करेंगे। ये विश्वास मेरा इन पर है और यही विश्वास मैं आप सबको भी दिलाना चाहता हूँ। अब इसके अलावा आपके कोई और सवाल? सर, ये पर रहा है चिराग जी को भी कल प्रचार क्रांति के लिए मोहब्बत इजहार क्यों करना पड़ रहा है भाई? भाई मेरा एक सहयोगी दल होने के नाते, क्योंकि इसमें प्रचार का और कोई तरीका नहीं है, इसमें तरीका यही है कि आप सबके माध्यम से इस बात को, क्योंकि कई बार कई लोग भ्रम भी फैलाते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं हो कहीं पर किसी के भ्रम में कोई ना फंसे, इसीलिए। और ये समर्थन है इनके प्रति, गठबंधन का समर्थन, पार्टी का समर्थन। आप एक हफ्ते और पहले आने सहयोगी रहे हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले पार्टी में रहे हैं, हट चुके हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि आपका प्रेम उनके साथ। भाई मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, आज मेरे साथ जो बैठे हैं अभिषेक, इसीलिए मैंने कहा कि कोई अगर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है तो इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा समर्थन, मेरा पूरा समर्थन इनके साथ है और ये चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आपके तस्वीर और आपके बैनर का इस्तेमाल आपके निर्दलीय जो वहाँ उम्मीदवार खड़े हैं, यानी आपकी पार्टी में जो पॉलिटिकल एक्शन आप लेंगे, कर रहे हैं इस्तेमाल और कह रहे हैं कि हम पूरा आशीर्वाद लेंगे। नहीं तो अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जानकारी अगर अधिकृत तौर पर हमारे पास आती है तो जरूर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये गलत है, बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी की सहमति के इस तरीके से तस्वीरों का, बैनर का, पार्टी के नाम का, पार्टी की सोच का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं है। जो ये कर रहा है वो गलत कर रहा है। मेरा आशीर्वाद किनके साथ है? और भैया अभी तो मतलब क्या आशीर्वाद क्या होता है भाई, अभी उस उम्र में नहीं पहुंचे हैं, पूरा समर्थन इनके साथ है, छोटे भाई हैं, बड़ा भाई होने के नाते तो आशीर्वाद दे ही सकते हो, तो पूरा इनके साथ है। तरारी वाली से जिस तरीके से विशाल ने उस सीट को जीता, मनोरमा जी ने बेलागंज को जीता, ये चारों सीटें दर्शाती है। इमामगंज को भी लेकर दुनिया भर का प्रचार प्रसार, फलाना ढिंकाना सब बोला गया, गठबंधन पे सवाल उठाए गए, तमाम बातें बोली गई। हासिल क्या हुआ? साम दाम दंड भेद सब आपने कर लिया और विपक्ष झूठ की राजनीति करने के लिए जाना ही जाता है। लोकसभा में भी लोगों को डराकर ये मत हासिल करने का काम करते रहे, अभी भी सिर्फ झूठ बोलकर, यहां नहीं गए तो इसलिए नहीं गए, वहां नहीं गए तो इसलिए नहीं गए। भाई जब गठबंधन एक साथ है, और इस बात को आप सबके माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिहार की जनता को भी पूर्णतः मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा से एक ईमानदार सहयोगी की तरह रही है। जिस गठबंधन का हम लोग हिस्सा रहे हैं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता ने यह सीखा है कि हमारी पार्टी ने हमेशा एक सीमेंटिंग फोर्स का काम किया है। गठबंधन को कैसे और मजबूत किया जा सके, इस दिशा में हम लोगों ने हमेशा कार्य किया। बात विवाद में उलझे बिना किस तरीके से गठबंधन को अपने दल का हम लाभ पहुंचा सके, इस दिशा में हम लोगों ने काम किया। तो अगर कभी भी किसी भी चुनाव में कोई भी इस तरीके का भ्रम फैलाता है, बिना किसी भ्रम में उलझे, बिना किसी की बातों में आए, मैं अपने तमाम समर्थकों से, अपने एनडीए गठबंधन के तमाम समर्थक जनता बिहारियों से यह आग्रह करूंगा कि बिना इनकी बातों में उलझे, और जो कि बिहार की जनता अब नहीं उलझती है, परिणाम लोकसभा के चुनाव ही थे, उस वक्त भी आरक्षण संविधान को लेकर क्या क्या झूठ इन लोगों ने नहीं बोला, क्या हुआ, जीता कौन? एनडीए गठबंधन। इस वक्त भी चुनाव परिणाम से एक दिन पहले तक क्या क्या बातें ये लोग कर रहे थे कि चारों की चारों सीट एक तरफा रहेगा, एक सीट ये लोग नहीं जीत पाए।
और तो और तीन तो आपकी अपनी थी, कम से कम उसको तो आप लोग बचा लेते, वो तक ये लोग नहीं कर पाए। तो दर्शाता है कि बिहार की जनता और बिहार की जनता ने ओवरऑल देश की जनता ने अब पुनः ये मत बना लिया है। कुछ राज्य जरूर थे लोकसभा के चुनाव के वक्त जो इनके झूठे नैरेटिव में आए, उन राज्यों में भी आज की तारीख में प्रदर्शन देखिए हम लोग। महाराष्ट्र उसका इतना खूबसूरत उदाहरण, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ महाराष्ट्र हरियाणा ये वो राज्य हैं जहां पर विपरीत परिस्थितियों में हमारे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो ऐसे में देश की जनता और खास तौर पर आज जब हम लोग बिहार में इस चुनाव का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, बिहार की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, मुख्यतः सिर्फ एक विषय को लेकर रखी गई है और वो विषय आप सब जानते हैं जिस तरीके से विधान परिषद रुट को लेकर चुनाव प्रचार चल रहा है और उसमें एनडीए के हमारे प्रत्याशी, और मुझे खुशी है इस बात की कि एनडीए ने जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, पांचों दल ने मिलकर एक ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो ना सिर्फ हमारे छोटे भाई हैं बल्कि पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ प्रदेश के विकास की सोच रखते हैं। इनकी सोच से हम में से कोई भी अज्ञान नहीं है, इनकी सोच को गठबंधन के प्रति, प्रदेश के प्रति हम लोगों ने रह रहकर समय समय पर, हम लोगों ने विभिन्न डिबेट्स में अपनी पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से इनको अपनी बातों को रखते हुए एक प्रवक्ता के तौर पर भी हम लोगों ने सुना है। और आज गठबंधन ने ये बड़ी जिम्मेदारी इनको दी है और आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बात को कहने की शब्दों में ज्यादा जरूरत नहीं है, पर एक औपचारिकता जरूर है ताकि किसी के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता का मजबूत समर्थन इस चुनाव में मेरे छोटे भाई अभिषेक जी को जाता है। इनके लिए हमारी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता ना सिर्फ प्रचार प्रसार बल्कि इनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ पूरी पार्टी इसमें पहले से ही लगी हुई है। और इस बात का उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि ना सिर्फ ये चुनाव जीतेंगे बल्कि भारी मतों से ये चुनाव जीतने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी बातें अलग अलग समय पर विपक्ष के दलों के द्वारा किए जाते रहे, हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव से हम लोग उनके झूठे दावे और वादों को सुनते आ रहे। लोकसभा के वक्त भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि इनको दिखा देंगे, इनको बता देंगे, क्या हो गया। हमारा गठबंधन ना सिर्फ मजबूती से लोकसभा के चुनाव में हम लोगों का प्रदर्शन रहा बल्कि ये जो चार सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और ये महत्वपूर्ण है, इन उपचुनाव का गणित हम लोग ने समझना जरूरी है। और जो इन उपचुनाव का गणित समझ गया तो वो 2025 के परिणामों को भी समझ जाएगा। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है जिनमें उपचुनाव हुए थे और किन सीटों पर उपचुनाव हुए थे। उनमें से तीन सीटें सिटिंग थी विपक्षी दलों के पास, तथाकथित इंडी अलायंस, यूपीए, महागठबंधन, जो भी ये लोग अपने आप को बुलाते हो, तीन उनकी सिटिंग थी। ना सिर्फ हमने उन अपनी एक रिटेन की है बल्कि इनकी तीन सीटों को भी एनडीए गठबंधन ने जीतने का काम किया है। और उनमें से सीटें कौन कौन सी, बेलागंज की सीट, जो कुछ लोग अपना आधिपत्य मानकर चलते थे कि उन्हीं का ही अधिकार है,
क्या बोलते थे वो लोग, उसकी हमारा गढ़ है, उनका गढ़ को एनडीए ने हासिल करने का काम किया, जहां लगभग 3-3.5 दशक से वो लोग इस सीट को नहीं, कोई दूसरा नहीं निकाल पाया था, उन्हीं के पास ये सीट रही। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी बिहाइंड इट। मोहन भागवत जी ने जिस विषय का जिक्र करते हुए अपनी चिंता जताई, वो फर्टिलिटी रेट का वो जिक्र कर रहे हैं, जो किसी भी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है, वो फर्टिलिटी रेट 2.1 अगर मेरी जानकारी सही है तो ये होना चाहिए, पर आज की तारीख में वो 2.1 से गिरकर 1.91 के आसपास वो आया है। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। जब ये फर्टिलिटी रेट इससे कई ज्यादा था तब भी ये चिंता देश ने जाहिर की थी, और उस वक्त जनसंख्या निरंतर किस तरीके से किया जाए इसको लेकर भी चर्चा हुई, हम दो हमारे दो, ये तमाम बातों को लेकर उस वक्त भी चर्चा हुई। मैं मानता हूं कि ये विषय उन्होंने उठाया है, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। ये चिंता का विषय है जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, मुझे लगता है इस पर एक गहन चिंतन मंथन के बाद निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये चिंता का विषय है आज की तारीख। चिराग जी, पूरे देश में देखा जा रहा है अजमेर शरीफ को या संभलगढ़ जगह, जो मस्जिद के नीचे जो बातें कही जा रही, प्यायल डाला जा रहा है, इस पर चिराग पासवान क्या कहते हैं? अजमेर शरीफ के बारे में कह दिया कि वहाँ पर शिव मंदिर है। देखिये, जहाँ जहाँ से ये जानकारी आ रही है, आदेश उसी आधार पर किए दिए गए हैं जहाँ पे तथ्य सामने आते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कोई झूठा भ्रम फैला रहा होगा इसको लेकर, जहां पर ऐसी हकीकत नहीं है उसके बावजूद भी, उसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं। जांच के आदेश बिना तथ्यों के कभी कोई भी न्यायालय के द्वारा नहीं दिए जाएंगे। इसको जरूर एक धर्म से जुड़ा हुआ विषय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पर मैं मानता हूं कि अगर किसी विषय में सच्चाई नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, पर अगर सच्चाई है तो वो जरूर सामने भी आनी चाहिए। 91 में वर्सी पैक्ट पास है, उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता ताजमहल में शिव मंदिर का दावा किए, भाजपा नेता वहां के, क्या ताजमहल में शिव मंदिर का दावा किए? भाई, जैसा मैंने कहा कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ, मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ, जो इन बातों को कह रहा है वो तथ्यों को सामने रखेगा, उसके आधार पर जो फैसले लिए जाते हैं उसी से ही चीजें आगे तो हो रही हैं। किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं होता ये, जो एक व्यक्ति कह रहा है उसकी क्या सोच है, क्या मंच है, मैं उससे सहमत हूँ, पर हाँ, अगर कोई तथ्यों के साथ बातों को रख रहा उसके आधार पर कार्रवाई की। आप लोग बात ये करते हैं कि महाराष्ट्र की जीत पे आप लोग बात करते हैं, क्या कारण है कि झारखंड में आप लोग हार गए, क्या वो आदिवासी? देखिए, ये भी हमारे गठबंधन के लिए मंथन का विषय है, और जिस पर तमाम घटक दल बैठ कर, जिसमें सुदेश महतो जी की पार्टी भी है, अजसू भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, हम लोगों ने भी एक ही सीट पर एक लंबे समय के बाद झारखंड में गठबंधन के तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ा। 2014 में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था शिकारी पारा की एक सीट, उस वक्त भी गठबंधन के तहत हम लोगों ने लड़ी थी, पर उस वक्त हम लोग को सफलता नहीं मिली थी, पर आज हम लोग को सफलता मिली है, चतरा की एक सीट हम लोग जीते हैं। पर हाँ, बाकी जगह पे प्रदर्शन उस आधार पर नहीं रहा जो अपेक्षित था। इसमें तमाम प्रभारियों के साथ, जिसमें आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं, जिसमें हेमंता विश्व शर्मा जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग की पार्टी है, अजसू है जो कि एक प्रमुख गठबंधन दल है झारखंड में, जनता दल यूनाइटेड है, सब लोग बैठकर इसके ऊपर जरूर मंथन करेंगे। मंथन चल भी रहा है, कुछ विषय हैं जो सामने आए हैं जिसकी वजह से संभवतः ये परिणाम हम लोग को देखने को मिले, पर मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में पुनः इन 5 सालों का उपयोग कर पुनः झारखंड में हम लोग एनडीए की सरकार बनाने में सफल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।